हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट रिडक्शन मेथड्स के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में। तो है स्टेट रिडक्शन मेथड्स। तो दो मेथड है हमारे पास, एक तो होता है मिले मेथड, एक होता है मोरे मेथड। मिले मेथड क्या होता है कि जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है किस किस पे, एक तो प्रेजेंट स्टेट पे और प्रेजेंट इनपुट पे। मगर मोरे मेथड जो होगा उसमें खाली जो प्रेजेंट आउटपुट है वो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। ओनली डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट स्टेट। ओके, तो मिले मेथड और मोरे मेथड दो मेथड है हमारे पास स्टेट रिडक्शन मेथड्स के, स्टेट रिडक्शन करने के। तो मिले मेथड को हम देखते हैं, मिले मेथड कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कोई ए है, उस पर आप अगर जीरो अप्लाई किया तो मान लीजिए उसकी वैल्यू कहाँ पे आई, इसी पे आई, ए पे ही आई, और आउटपुट की वैल्यू वन आई। इस्टे अगर वन अप्लाई किया तो मान लीजिए बी पे गई और आउटपुट की वैल्यू वन आई। अगर बी पे वन अप्लाई किया तो वैल्यू सी पे गई और आउटपुट की वैल्यू वन आई, और सी से ए पे गई जब इनपुट वन अप्लाई किया और आउटपुट की वैल्यू जीरो आई। वैसे हम और कुछ भी कर सकते हैं, जैसे बी की वैल्यू बी ही रही जब इनपुट में जीरो अप्लाई हुआ, आउटपुट जीरो आया, बी की वैल्यू वन हो गया और बी की वैल्यू दो बार तो हो ही गया इसमें, तो और नहीं हो सकता। तो सी की वैल्यू हमने वन पुट कर दिया, सी की वैल्यू अब हम जीरो पुट कर देते हैं तो आउटपुट वन आया। तो देखिए ये आउटपुट की वैल्यू है, ये है आउटपुट। तो आउटपुट की जो वैल्यू है वो सिर्फ प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि प्रेजेंट में जो इनपुट दिया है ना वो क्या दिया है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। अगर आप इनपुट देखिए यहाँ वन दिया है तो ये वैल्यू आई, अगर जीरो दे देंगे तो कोई और वैल्यू आ जाएगी। ओके, मगर मोरे मेथड में क्या होगा, मोरे मेथड में इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं देखिए। जैसे मान लीजिए जीरो जीरो है स्टेट, वो गया जीरो वन पे, तो आउटपुट को इसमें ऐसे दिखाएंगे, ये इसको दिखा देंगे तो ये स्टेट है, स्टेट की वैल्यू है, और ये वैल्यू क्या है, ये है आउटपुट की वैल्यू। तो जीरो जीरो में अगर हम जीरो अप्लाई करेंगे तो वैल्यू जाएगी जीरो वन पे, मगर जीरो जीरो का आउटपुट क्या रहेगा, आउटपुट यहाँ मान लीजिए जीरो ही रहेगा। उसी तरीके से जीरो वन को अगर हमने इनपुट अप्लाई किया, मान लीजिए जीरो रहा, जीरो इनपुट अप्लाई किया तो आउटपुट मान लीजिए वन जीरो नेक्स्ट स्टेट में गया मगर आउटपुट वन ही रहा। तो इस मेथड को कहते हैं मोरे मेथड। उसी तरीके से ये सीक्वेंस चलता जाएगा, इसमें जीरो अप्लाई करिए तो ये आएगा, इसमें आउटपुट की वैल्यू वन ही आ जाएगी, तो ये फिक्स है। इसमें आउटपुट डिपेंड कर रहा है दो चीज़ों पे, प्रेजेंट स्टेट और प्रेजेंट इनपुट में, जबकि इसमें सिर्फ प्रेजेंट स्टेट में ये वैल्यू डिपेंड कर रहा है। प्रेजेंट स्टेट में इसकी वैल्यू फिक्स हो गई, इसकी वैल्यू फिक्स हो गई, इसकी वैल्यू भी फिक्स हो गई। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मिले मेथड को, जिसमें जो प्रेजेंट जो आउटपुट है
वो किस किस पे डिपेंड करता है? प्रेजेंट स्टेट पे और प्रेजेंट इनपुट में, इस पे ये किसकी वैल्यू डिपेंड करती है? प्रेजेंट आउटपुट की वैल्यू। तो देखते हैं, मान लीजिए ये ए है वैल्यू, इसमें जब जीरो अप्लाई किया तो ये गया बी पे, इस पे जब वन अप्लाई किया तो ये गया डी पे, ओके, बी पे जब वन अप्लाई किया तो ये गया सी पे, तो सी पे जब वन अप्लाई किया तो ये गया ई पे, ई पे जब वन अप्लाई किया तो ये गया डी पे, और आउटपुट की वैल्यू आई जीरो। यहाँ गई वन, यहाँ गई जीरो, यहाँ गई जीरो, ओके। वैसे ई पे जब मान लीजिए वन का केस हो गया, जीरो अप्लाई किया तो ये गया बी पे जिसकी वैल्यू आई वन। तो आइए इसका डिस्कशन करते हैं कि इसको हम कैसे बनाएंगे। तो प्रेजेंट स्टेट लिख दीजिए, इसको हम रिडक्शन करते हैं, वो मेथड देखते हैं। प्रेजेंट स्टेट क्या है? ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। उसके बाद हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट में एक्स इक्वल टू जीरो है, एक्स इक्वल टू वन है, और फिर आउटपुट। आउटपुट स्टेट पे भी डिपेंड करेगा और स्टेट पे भी डिपेंड करेगा, ये हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे, इस प्रेजेंटेशन के थ्रू समझेंगे, जो भी अलग अलग नाम है। तो प्रेजेंट स्टेट ए, मान लीजिए एक्स इक्वल टू जीरो दिया और तो ये बी में गया और आउटपुट मान लीजिए जीरो आया। ए में एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो कौन सी स्टेट में गया? बी में गया, ठीक है। आउटपुट की वैल्यू क्या आई? जीरो आई। वैसे ही मान लीजिए एक्स इक्वल टू वन पे आपको जिससे भी जोड़ना है आप उससे जोड़ सकते हैं। एक्स इक्वल टू वन पे तो यहाँ पे तो खैर पहले से हमने जोड़ रखा है। एक्स इक्वल टू वन पे ये डी पे गया नेक्स्ट स्टेट, आउटपुट की वैल्यू आई जीरो पे, ओके। बी के लिए लेते हैं, बी जब इनपुट जीरो अप्लाई किया तो जीरो तो हमने अभी बनाया नहीं इसमें, तो वन का देखते हैं, जब वन अप्लाई किया तो ये गया सी पे, सी पे, और आउटपुट की वैल्यू आई जीरो। वैसे सी का देखिए, सी का जब हमने इनपुट में जीरो अप्लाई किया, जीरो को हमने बनाया नहीं, तो इनपुट में वन अप्लाई किया, तो इनपुट में वन अप्लाई किया, जब वन अप्लाई किया तो गया ई पे और आउटपुट की वैल्यू आई वन। डी पे देखिए, डी पे तो हमने बनाया नहीं एक भी, तो मान लीजिए हम डी को यहाँ हम लिख देते हैं बी, यहाँ लिख देते हैं डी, यहाँ लिख देते हैं जीरो, यहाँ लिख देते हैं जीरो। ये कहाँ से लिखा? यहाँ से देख के लिखा मैंने, यहाँ लिखा। तो अब सर्किट कैसे कनेक्ट करेंगे इसमें देखिए, एक्स इक्वल टू जीरो मतलब इनपुट हमें जीरो देना है और जाएगा कहाँ पे? ये जाएगा बी पे, तो इससे इसको जोड़ देना है एक्स इक्वल टू जीरो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट की वैल्यू आएगी हमारी जीरो, ओके। और देखिए एक्स इक्वल टू वन, तो डी पे एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन इनपुट वन अप्लाई करेंगे तब इसकी वैल्यू कहाँ जाएगी? इसकी वैल्यू जाएगी डी पे ही रहेगी। तो वन अप्लाई किया, आउटपुट की वैल्यू क्या आई? जीरो। इट इज क्लियर। मान लीजिए सी है और हमें यहाँ पे हम रैंडम वैल्यू लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ हम लिखते हैं सी, यहाँ लिखते हैं हम ए, ओके। तो हम कनेक्शन कैसे करेंगे यहाँ पे?
सी से सी पे ही कनेक्शन होगा। ओके, यहाँ ए नहीं लिख सकते, और सी पे हम बन तो दे ही चुके हैं, तो हमें जीरो देना पड़ेगा। और आउट तो सी पे जीरो दिया तो सी आया, देखिए सी पे जीरो दिया तो सी आया। और आउटपुट की वैल्यू आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे वन लिख दीजिए आप तो ऑब्लिक वन। बी हमारा खाली था, बी हमारा खाली है, तो मान लीजिए हम यहाँ लिखना चाहते हैं ए, यहाँ लिखना चाहते हैं वन, तो ए पे जाएगा ये, यहाँ गया। जब एक्स इक्वल टू जीरो है, एक्स इक्वल टू जीरो है, आउटपुट की वैल्यू वन आएगी तो ऑब्लिक वन। ठीक है, एक्स अपॉन वाई ये होता है इनपुट और ये होता है आउटपुट। ओके, अब ई में देखिए, ई में मान लीजिए हम चाहते हैं यहाँ सी आ जाए, यहाँ ई आ जाए, यहाँ वन आ जाए, यहाँ वन आ जाए, तो ई को लेंगे एक्स इक्वल टू जीरो पे, एक्स इक्वल टू जीरो पे ये सी आना चाहिए, तो इनपुट एक्स इक्वल टू जीरो पे ये सी पे गया और आउटपुट की वैल्यू वन आना चाहिए, आ गया वन। और ई की वैल्यू ई पे ही रहेगी, जब हम क्या अप्लाई करेंगे वन, तो वन आउटपुट की वैल्यू वन, आउटपुट की वैल्यू वन। तो इसी तरह हमने ये टेबल बना लिया। अब हमें देखना है कि वैल्यू कहीं रिपीट तो नहीं हो रही है, कौन कौन सी वैल्यू, इस रो की वैल्यू, ये चारों वैल्यू किसी और में भी तो रिपीट नहीं हो रही है, सी ई वन वन, तो सी ई वन वन देखिए आ गया। तो हमको क्या करना है, इसको कर देना है एलिमिनेट। ठीक है, अब ई बदल जाएगा किसमें, सी में, जहाँ जहाँ ई है वहाँ वहाँ सी करो, और कहीं ई है नहीं है तो सी करो। उसके बाद इसको देखिए, बी डी जीरो जीरो है क्या कहीं, बी डी जीरो जीरो ये भी एलिमिनेट हो गया, और जहाँ जहाँ डी है वहाँ वहाँ ए करो, क्योंकि इसका और इसका वैल्यू सेम है सभी, जहाँ जहाँ डी है वहाँ वहाँ ए करो, तो डी कहाँ है, ये डी है, ये ए करो। फिर सी सी वन वन, ए सी वन जीरो और बी ए जीरो जीरो, तो एक वैल्यू कोई भी एक ही वैल्यू नहीं आ रहा है, तो इस स्टेट का जो नंबर है, नंबर ऑफ स्टेट कितने हैं इसमें, वन टू थ्री, थ्री, तो थ्री स्टेज है इसके। ओके, थ्री जो है स्टेट है इसका। तो अगले इसी वीडियो के अगले पार्ट में हम क्या देखेंगे, मोरे मेथड देखेंगे। ओके, तो हम देखेंगे मोरे मेथड, स्टेट डायग्राम को रिडक्शन करने का मेथड है एक, एम डबल ओ आर ई मेथड। तो इसमें क्या चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि प्रेजेंट आउटपुट, जो प्रेजेंट आउटपुट होगा ओनली डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट स्टेट। जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू है जीरो जीरो, फिर जीरो वन, वन जीरो, वन वन, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जो आउटपुट होगा, मान लीजिए यहाँ जीरो है, यहाँ है उसकी वैल्यू वन, यहाँ है वन, यहाँ है वन। ओके, तो इट इज़ फिक्स्ड, ये जो है ये क्या करता है, ये दिखा रहा है आउटपुट को। ओके, तो आप जीरो जीरो पे बन दीजिएगा, तो मान लीजिए जीरो वन आया, वन वन पे वन दीजिए तो मान लीजिए वन जीरो आया, वन जीरो पे वन दीजिए तो मान लीजिए वन वन आया, और वन वन पे वन दीजिए तो मान लीजिए जीरो जीरो आया। वन वन पे हमने वन दिया तो जीरो जीरो आया,
मगर आउटपुट क्या है इसका, वन फिक्स। वैसे ही जीरो जीरो पे हमने वन दिया तो जीरो वन आया, मगर आउटपुट जीरो फिक्स है। उसी तरीके से जीरो जीरो पे मान लिया हमने जीरो दिया तो वन जीरो आया, मगर आउटपुट जीरो फिक्स है। उसी तरह जीरो वन पे मान लीजिए हमने जीरो दिया, मान लीजिए जीरो दिया और जीरो जीरो आया, मगर आउटपुट फिक्स है। तो जो मोरे मेथड है, होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि जो प्रेजेंट आउटपुट है, जो प्रेजेंट इसका आउटपुट है, वो सिर्फ इस स्टेट पे डिपेंड करेगा और किसी इनपुट पे या किसी और वैल्यू पे, इस वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे इसमें वन 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 पे वन दिया तो मान लीजिए जीरो दिया होता तो इस पे आ जाता, उसी तरह जीरो जीरो पे वन दिया जीरो दिया ये हो गया, जीरो वन पे वन दिया जीरो दिया ये भी सर्किट कंप्लीट, वन जीरो पे वन दिया एंड जीरो दिया, ओके मान लीजिए जीरो दिया तो ये गया, मगर आउटपुट ये फिक्स होगा। तो होप आपको इस सीरीज में जो मिले मेथड है उसको कैसे रिड्यूस करता है वो समझ में आ गया होगा, और जो मुरे मेथड क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।